गुड मॉर्निंग, क्या धूप है सुबह सुबह। दैट्स वेयर आई गो टुमारो, आज टाइम नहीं है। ये प्रबिंदर लाल जी जो आर्ट फोर्ट इंडिया के डायरेक्टर हैं और जिन्होंने सारा शो ऑर्गेनाइज किया है, इनकी सारी मेहनत है जो कि यहाँ पे कांगड़ा म्यूज़ियम में हम लोग एग्जिबिट कर रहे हैं। सो आज उनको हम पूछते हैं कि उनकी इस ब्लैक एंड वाइट आर्ट वर्क का थीम क्या है और उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की है। हाँ जी सर, मैं प्रबिंदर लाल चंडीगढ़ से हूँ। ये हम फिफ्थ एग्जीबिशन कर रहे हैं, इसमें पहले भी दो तीन यहाँ ब्लैक एंड वाइट 05 इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के नाम से एग्जीबिशन हो चुकी हैं और ये फिफ्थ एग्जीबिशन है। एक एग्जीबिशन हमारी नगर में हुई थी, कुल्लू मनाली में, तो वहाँ भी हमने असरोपा के अंडर ऑर्गेनाइजर के साथ वहाँ ब्लैक एंड वाइट किया था। तो यहाँ पर आप 05-24 ये यहाँ पर धर्मशाला में हो रही है और इसमें 68 आर्टिस्ट जो पार्टिसिपेंट हैं और कुछ प्रिंट्स भी हैं, कुछ प्रिंट मेकिंग भी है, ओरिजिनल प्रिंट मेकिंग फ्रॉम अब्रॉड आल्सो, कुछ रशिया से हैं, कुछ मलेशिया से, थाईलैंड से हैं और आर्मेनिया और बाकी आपका कम सर ग्रीस, ग्रीस एंड इटली, स्पेन वगैरह। हाँ। और बहुत ही सेंसेशन छाई हुई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हम लोगों का प्रेस कवरेज हो रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है रिस्पॉन्स। हाँ। अपने काम के बारे में तुसी दसो प्लीज। हाँ, मेरा काम ये मैंने एक्चुअली वर्कशॉप में करा था और आज मैंने इसको डिस्प्ले, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट पेंटिंग यहाँ डिस्प्ले थी वो मेरे को कहीं इन्होंने वो पेंटिंग यहाँ के ऑनरेबल AMD श्री गज्जू जी को प्रेजेंट की है, जो कि उनके ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में रखी जाएगी। सो इस हाँ, तो ये पेंटिंग इनकी वर्कशॉप का काम है। सो सर, अब क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या टाइटल है इसका? टाइटल है अर्बन फैंटेसी। अर्बन फैंटेसी, ओके। मैंने ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक किस्म का नया वर्क है मेरा। अब हो सकता है इसको करते करते मैं कुछ और नई चीज़ें डेवलप करूँ और हो सकता है मैं ब्लैक एंड वाइट भी सीरीज करूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई जस्ट फोकस ऑन द वर्क। वेरी इंटरेस्टिंग एंड टिपिकल प्रबिंदर लाल स्टाइल में वर्क है इनका, जो आर्किटेक्चर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, सीनियर आर्टिस्ट बलवंत सिंह बलोरिया जी से हम अभी पूछेंगे उनकी पेंटिंग के बारे में, वो क्या उन्होंने बनाने की कोशिश की है। ये धर्मशाला के ही आर्टिस्ट हैं और काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं। सो सर,
ए पेंटिंग द टाइटल क्या है और इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हो? इसका टाइटल है नायक नायिका। नायक नायिका, हाँ जी, हाँ जी। और इसमें आप देखेंगे कि आपको ना इम्प्रेशनिज्म, मतलब कि आपको ना बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको फिगर नज़र आएगी, एक काले रंग में फिगर नज़र आएगी, एक वाइट में। और ये रिप्रेजेंट कर रही है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हाँ जी, राइट। तो देखो आप, नेगेटिव अगर हमारे थॉट होंगे तो वो सप्रेस होंगे, अगर पॉजिटिव होंगे तो वो उभर के आते हैं, इनलाइटमेंट होती है, यही चीज़ दर्शाई है। चलिए, वेरी 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 इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मैं ज़रा थोड़ा सा डिटेलिंग दिखाती सबको कि कितना कुछ चल रहा है इस पेंटिंग में। सो नायक नायिका बाय बलवंत सिंह बलोरिया। जो हमारा थीम है ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग्स का, उसमें जो आपने ये आर्ट बनाया है, पेंटिंग बनाई है, उसके पीछे आप क्या दिखाना चाहते हैं हमारे लोगों को, ऑडियंस को? थैंक यू कोमल। ये जो एग्जीबिशन है बहुत ही स्पेशल है, हम लोग हर साल इसके साथ आते हैं यहाँ पे कांगड़ा म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में, एंड हमारा थीम हमेशा से ब्लैक एंड वाइट रहता है। सो पूरा साल एक आर्टिस्ट के पास होता है टू वर्क अपॉन दिस थीम, एंड इट्स ओनली इन टू टोन्स, ब्लैक एंड वाइट, मोनोक्रोम में अपने अपनी फीलिंग्स दिखानी होती है। सो मेरा इंट्यूटिव स्टाइल है, मैं यूनिवर्स को कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ थ्रू साउंड वाइब्रेशन। सो आई एम वर्किंग ऑन साउंड वाइब्रेशन एंड सर्कल्स। सो इन दिस वर्क यू विल सी लॉट ऑफ सर्कुलर शेप्स एंड द मेन फोकस इज द आई। सो दिस इज टाइटल्ड कॉस्मिक आई, एंड एज यू सी दिस लॉट ऑफ मूवमेंट हियर विच इज़ depicting the universal movement, you know, cyclic movement which we have in the universe. So that is what I've tried to capture. And we have a galaxy called Nebula, and if you'll search it on internet, then you will see that it's very, very similar to the human eye, one to one. So I'm trying to show the universal or supra-universal connect between humans and nature. थैंक यू जी। यू आर एट कांगड़ा म्यूज़ियम एंड यू आर शोकेसिंग, आप ये अपना काम ब्लैक एंड वाइट थीम पे दिखा रहे हैं, जो कि ब्लैक एंड वाइट 05 का पार्ट है। सो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं इस काम के बारे में कि इसके पीछे क्या आप दर्शाना चाहते हैं और क्या इंस्पिरेशन है? आई लाइक सॉल्ट एंड पेपर, क्योंकि मैं खुद भी सॉल्ट एंड पेपर कैरी करता हूँ, और ये जो वाइट हेयर है ये मेरे वर्क मार्क है। सो मुझे ब्लैक एंड वाइट बहुत अच्छा लगता है इसीलिए, क्योंकि बचपन से मेरे साथ रहा है, एंड व्हेन और जब ब्लैक एंड वाइट का मौका मिला तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं कूद पड़ा पूरे एनर्जी के साथ। और ये एक ड्राइंग है जो मैंने बॉल पेन बैक ब्लैक बॉल पेन से किया है। सो इट्स अबाउट मदर नेचर, मैं अपने माँ को श्रद्धा देना चाह रहा था, श्रद्धांजलि देना चाह रहा था, रेस्पेक्ट देना चाह रहा था, और मदर आर्थ को भी रेस्पेक्ट देना चाह रहा था, तो इसी हिसाब से ये काम आया। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा फोकस करूँगी पेंटिंग पे। ये मदर नेचर इन्होंने पेंट किया है, एंड जैसे आप देख रहे हैं कि प्राइमरी फोकस वुमेन है, द मदर एंड विद अ चाइल्ड इन द वूम। सो वेरी ब्यूटिफुल, वेरी यू नो सिम्बॉलिक वर्क। So thank you. Well, I want to know about your painting and what you do. You are from Mohali, that I know, and you're aspiring artist. So please, is ye jo black and white exhibition mein aapne apna work lagaya, iska title kya hai and aapki inspirations kya hai? Jaise ki aapne bataya ki hamara theme black and white hai, to humne sir do hi colors ka use karke apni feelings ko express karne ki koshish ki hai. Main landscape artist hu aur zyadatar नेचर की खूबसूरती को कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ अपने ब्रश स्ट्रोक से। थैंक यू। एंड ओके, सो हियर आई विल जस्ट टेक अ शॉट ऑफ दिस ब्यूटीफुल वर्क। थैंक यू कोमल। सो यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एग्जीबिशन विच इज़ ऑन एट कांगड़ा म्यूजियम, ब्लैक वाइट 05। सो आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर आर्ट वर्क, ये क्या ने बनाने की कोशिश की है और इस पर क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक्चुअली आई जस्ट पेंटेड एलिफेंट विद वाइट ग्रे एंड ब्लैक पेंट्स एज डिपिक्टेड, दैट वी हैव द ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग्स आर ऑल ओवर। सो आई जस्ट
want to depict the elephant, which is our protection symbol, which is a symbol of strength also. So I'll just paint it down. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you.